आप देखो मैं ना 1 2 3 करूंगी, एक आवाज आएगी आपको। आज लाइफ में पहली बार मैं रंग गया तो फंसा हूं। बेड़ा तो शेष चीजें भी दिख रहा कटिंग करा दी मैं रियो। अयो टीचर सर लोग है क्या पढ़ा? देखो आज आपने टीचर ने डांटा नहीं आपको? अच्छा ये पेन नहीं पकड़ पा रही, इतनी ऊपर से पकड़ रहा है। वेरी गुड। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। और फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि हमारी जो दी है मेड है वो जा चुकी है अपने घर पे, क्योंकि उनकी बेबी की तबीयत खराब है। तो कि वो कह रही थी कि 15 दिन की छुट्टी पे जाऊंगी, तो इसलिए रिशित आने वाला था। तो हम लोगों ने खाना बाहर से मंगवा लिया और रिशित मेरा भाई आ रहा था। तो वैसे तो मैं यूजुअली एक सब्जी मंगाता, लेकिन रिशित आ रहा था तो मैंने कहा यार रिशित दो सब्जी लेके आ जाना, रात का भी काम हो जाएगा। थैंक यू रिशित भाई आने के लिए, यार बहुत अच्छा इंसान है तू। अब जब जाके आएगा ना तुम्हारा घर से चाय पैक करवा के लाना, जैसे हॉस्पिटल में चाय लेके नहीं जाते जब रिश्तेदार आते हैं कोई अड़ोस पड़ोस से। हाँ सो अभी गाइस हम लोगों क्या करना है कि मुझे एक सीन था कि मैं सोच रहा हूँ डंजो कर लूँ, मुझे 2 बल्ब मंगाने हैं क्योंकि ये लाइट जलनी बहुत जरूरी है, वो मेन सीन है। तो 2 मिनट का टाइम दो मुझे, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि इनकी लाइटें अब तक हमारे पास नहीं पहुंची और मैं नीचे गया ही नहीं कल से। तो अभी देखता हूँ जल्दी से इनकी लाइट मंगाता। गुड मॉर्निंग। अब देखो मैं ना 1 2 3 करूंगी, एक आवाज आएगी आपको। मैजिक है कि मैजिक? मैजिक देखो आमे सामे 1 2 3। क्यों आज आई है मैजिक? ये मैजिक कहाँ से हुआ? 1 2 3। मेरा राजा भाई। राजा तो है ही नहीं आया। अरे मैजिक है, जीजू नहीं है। मैजिक बेटा जीजू नहीं है, मैजिक है। जैसे ही मैं 1 2 3 करती हूँ आवाज आती है, देखना मैजिक अंदर आ। आमे सामे 2 1 2 3। मेरा राजा भाई। देखा मैजिक। किसकी आवाज है ये? लास्ट में कोई भी ऐप काम नहीं आई, हमें जाके सामान लेके आना पड़ा। अब जल्दी से हम अपनी लाइट्स को करते हैं ऑन और शूट करते हैं चालू खुशी का, और मेरा भी एक अर्जेंट शूट होना है वो भी फिनिश करते हैं, और काफी सारा सामान लेके आए हैं, मजा आएगी। गाइस देखो पहली बार ऐसा हो गया, विवेक अभी तक भी कुछ कुछ कर रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी खड़ी हूँ पर्स वर्स लेके। आज लाइफ में पहली बार मैं रंग गया तो फंसा हूँ। ये हमेशा लेट करते हैं और बदनाम मुझे करते हैं। ये देखो सुभांशु चौधरी सब रेडी खड़े हैं, बस इनको छोड़ के। तो गाइस आज मुझे विवेक दिलाने वाले हैं बहुत सारे कपड़े। हम लोग जा रहे हैं सही। वो देखो वैक्स स्टोर आपके पीछे। देखा कि भैया ने ऐसा क्या लगा दिया, मैं भी लगा दूं। हाँ इसको पकड़ के रखना 2 मिनट। ठीक है। कौन सा दाना है बाबू प्लीज बता दो, मुझे नहीं पता था। मुझे दाना बोलना ही नहीं आता ही है। यूवी क्या बोला इसने? इसने अपने मुंह से खुद अभी बोला बीच वाले रूम में कि जीजू है काले और बुबू है मोटी। कभी बात ही नहीं करनी अपनी शो इससे, बात नहीं करनी। इसने बोला जीजू है काले और बुबू है मोटी है। राजा ऐसा बोला आपने? नहीं जीजू तो बोला। नहीं बुबू को क्या बोला? जीजू को नहीं मोटी के मतलब जो शादी होते हैं। मोटी से मतलब आप गुस्सा की होती हो? पता था मोटी तो हो ही आप, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरी मजाक बना रहे हो, मैं इसलिए मुझे बुरा लगता है। अच्छा आप एक काम करो, आप ऐसे बोलो माँ मोटी पापा काले। मोटी पापा काले। और जिज्जू अच्छे बुब्बू अच्छी। बुब्बू अच्छे जिज्जू काले। सॉरी बुब्बू अच्छे जिज्जू अच्छे जिज्जू बुब्बू दोनों अच्छे। ये है सब यूवी और बस वो जो ऊपर है वो बुब्बू जीजू और बस बाहर है तो नहीं उधर तो टीवी आ रहे तो वो मेरे बोल। हाँ अब दिखाता हूँ व्यू व्यू दिखाऊंगा व्यू। देखो दिख रहा है टीवी तो शॉर्ट में स्कूटर भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखो सीसीटीवी दिख रहा है, सीसीटीवी। नानू नमस्ते। रियो को और ये बच्ची कैसा हो गया तू? इंजेक्शन लगा है? कैसी हो गई रियो बच्ची? इतना सुंदर बन के आया। पढ़ लिया आप? क्या पढ़ा? देखो आज आपने दिखाओ। अरे इंटर लाइन तो पॉइंट में भी आया। और ये दिखाना जरा एक बार। हाँ तो मेरे यहाँ से निकल गई। हाँ बताऊँ तो निकली हुई
ओहो ये गलत है। टीचर ने डांटा नहीं आपको? कुछ नहीं बोला टीचर ने? बब्बू ने बोला हाँ मैं हूँ टीचर की आँखों। अच्छा बब्बू ने इतने जोर से बोला मैं हूँ टीचर की आँखों। ये ले लो आपका इनाम। हाँ इनाम में बिस्किट। नुकेरा मेरी ना ये लाइन है थोड़ी तिरछी होगी, ये लाइन से नहीं मिली, तो मैंने बब्बू को कहा ये ठीक है, तो बब्बू ने कहा टीचर मैं हूँ कि तू है कि बस। नहीं मैंने से कहा, मैंने कहा बेटा यहाँ से शुरू करो, शुरू से कह रहा यहाँ से करूंगा। मैंने कहा यहाँ से क्यों करोगे, यहाँ से करो जब यहाँ से है। कह रहा कि नहीं मैं यहाँ से कर लूंगा ना बब्बू। मैंने कहा टीचर तू है कि मैं हूँ। ये पेन नहीं पकड़ पा रहा, इतनी ऊपर से पकड़ रहा है पेन। वेरी गुड। अब ये लास्ट वाली उल्टी क्यों बनाते हैं? पर देखो तो परफेक्ट। वाओ राजा। सो गाइस किचन बहुत मैसी हो रहा था तो मैंने इसको साफ करना स्टार्ट कर दिया। इधर वाला पूरा पोर्शन अभी बाकी है, आप देख सकते हो कितना मैस हो रहा है। इधर वाला मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया, मतलब कर रही हूँ। एंड आज मुझे पूरी बहू वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि जिस दिन मैं काम पे लग जाऊँ ना तो मैं फिर दिल से लग जाती हूँ। फिर मेरे को ऐसा होता बैठना नहीं है, नहीं करूँ तो फिर मैं लेजी पड़ी रहती हूँ। मतलब जब घर पे कोई दूसरा बंदा हो तो फिर मैं नहीं करती हूँ, लेकिन आज मैं कर रही हूँ तो आज मैं अच्छे से करूंगी, पूरी किचन क्लीन कर दूंगी। जब मैं वीडियो बना के हो चुका हूँ फ्री एंड खुशी भी वर्कआउट करके आ चुकी है, और ओह माय गॉड बाहर का वाइब है कुछ ऐसा। बॉम्बे में 3 दिन से बारिश थी लास्ट, लेकिन आज बारिश नहीं हुई। आज मौसम थोड़ा बेहतर था इसीलिए हम लोग बाहर जा भी पाए। और जैसे कि मैंने दिन में आप लोगों को बताया था कि हमारी दी जा चुकी है 10-15 दिन के लिए, तो खुशी अभी वर्कआउट करके आई है, तो वो हमारे लिए शायद बना रही है, देखते हैं उसको। जी भाई किस चीज़ की तैयारी? चिले बना रही हूँ। मैं दीदी से ना फोन करके पूछ रही, मैंने कहा एक चीज बताओ चिले में आप मेथी डालते हो कि वो होता है जो हम कड़ी पत्ता खाते हैं के लिए? कस्तूरी कश्मीरी, कश्मीरी मेथी सूखे, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी जो भी है। हाँ, कसूरी। कोल्ड कॉफी पिला दो यार, आज बहुत दिन हो गए। कोल्ड कॉफी नहीं, इसके साथ आप हॉट कॉफी देते हो, अभी नहीं लो, चाय बना लेती हूँ। चलो प्लीज आ जाओ, रुक जाओ, है ना। सो गाइस अभी चल रही है तैयारी, यहाँ पे कसूरी मेथी डाल के बन रहा है चिला। थोड़ा सा कम तेल में घी में बनाना मेरा, और अपना बनाना जैसे चाहे मर्जी। अच्छे से बना कर देती हूँ, फिर किचन पूरा क्लीन करती हूँ। हाँ फिर क्लीन, फिर रोटियाँ बनाती हूँ। भूख भी लग रही है मुझे, पहले खा लूँ फिर शाम। ये खा लो फिर किचन क्लीन कर दूँगी फिर रोटियाँ। अच्छा और आप मेरा फेशियल मसाज करती थी, इससे ना करती है करो? ये तो डाला था उसमें उसे। फिर भी अगर खा ली और हाँ ज़ूडियो की अगर आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है प्राइस से रिलेटेड, ज़ूडियो जो बेसिकली आपको पता है टाटा का ब्रांड है कपड़ों से रिलेटेड, तो फेसबुक पे जाके जल्दी से मतलब पूरी वीडियो देख लेना। मैं गाइस आपको एक चीज बताती हूँ, फेसबुक पे वीडियो देखना, उसमें मैंने 2 ड्रेस पहने यार, वो इतनी मखमल जैसी ड्रेसेस थी और जस्ट 899। और हाँ मैं आप लोगों को एक चीज अभी बता दूं, अभी अवेयर कर रहा हूँ इस चीज के लिए कि अभी फिलहाल जितने भी मिनी व्लॉग्स होते हैं, जितनी भी डेली एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे बॉम्बे में कर रहे हैं, वो सारी वीडियोस फेसबुक के ऊपर आ रही हैं। तो जल्दी जाके हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर लो, जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस चौधरी वेरीफाइड है, आप लोगों को अलग दिख जाएगा। सो जल्दी जाके उस पर खूब सारा लिंक भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक डाल देंगे। और हाँ नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हम लोगों ने yes, तो हम लोग मिनी व्लॉग करते हैं, मिनी व्लॉग देखने के लिए होंगी वो आप लोगों को वही देखने को मिलती है, देख लिया कर जाके। तो गाइस मैं जितनी जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही थी, मैं लग गई यहाँ पे ये कॉर्नर साफ करने में, बर्तन साफ करते करते ये कॉर्नर साफ कर लू, इतने में पीछे फुल पे दूध रखा था मैंने वो गिर गया। जितना मैंने यहाँ पे काम खत्म किया था वो सारा ही बढ़ गया, मुझे ये सारा दोबारा से क्लीन करना पड़ेगा ठंडा करके। और मेरे पतिदेव भी लगे पड़े हैं कुछ कुछ मेरी हेल्प करने। हाँ भाई हो गया काम तमाम, 5 में से 4 काम सही होते हैं, काम उल्टा हो जाता है मेरे साथ में, ऐसे ही होगा आपका काम तमाम। ये वाली साइड मैंने सबसे पहले क्लीन कर दी थी और मुझे लगा था कुछ नहीं होगा, लेकिन दूध तो आपका हमेशा रिकॉर्ड, आपने भी के फैम को बताया कि जब भी आप उबालती हो तो दूध ना गिरे, कॉफी ना गिरे, चाय ना गिरे। मैं जब से यही खड़ी हुई हूँ, मैंने बोला मैं ना दूध देख रही हूँ, ये जल्दी जल्दी तेज में हो जाएगा तो फिर ठंडा करने रख दूंगी, क्योंकि फ्रिज में भी रखना है। एक मिनट के लिए मेरी नजर हटी, मैंने बर्तन ही लगाने शुरू करे, वो वाली वीडियो सही होगी आज जो हम हमेशा सोचते हैं कि 1 सेकंड के लिए नजर हटाई और सारा गया। फाइनली मैंने अपनी किचन परफेक्ट क्लीन कर दी है, अब मैं जा रही हूँ मेरा रूम क्लीन करने, जो कि बहुत मैसी हो रखा है क्योंकि आज हम सुबह ऐसे भाग गए थे फटाक फटाक से। अब आ रही है रूम की, मैं कैसे क्लीन करता हूँ, कपड़े की फ्रिज में जगह बना दी, यहाँ जगह बना दी, बिना दीदी के आपको खाइए ना उन्होंने।
अब शुभांशु ने लगाया है ऑर्डर बनाना शेक का कि मुझे बनाना शेक पिला दो। अपने लिए मैंने दूध गर्म कर लिया है। बाबू यार आपने बताया हमारी एलईडी खराब हो गई थी फ्रिज की, कल कैसे ठीक हुई, किस्मत देख रहे हो। अब देखो एक चीज मैं व्लॉग में बता रही हूँ, ये दूध में इसके आसरे रख के जा रही हूँ कि ठंडा होता है फ्रिज में रखना, अगर बाहर रहा दूध तो ये जाएगा मेरे से। कैमरे में फंसा, टेनिंग 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 टेनिंग।